Today's inspiration: winning and losing depends on what you think. Admit defeat and you will be defeated. Resolve to succeed and you will win. जीत और हार ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। ये जोड़ों का दर्द होता क्यों है और इसमें आप क्या घरेलू नुस्खों में अपना सकते हैं ताकि आपके जोड़ों के दर्द में ठीक हो जाए और उसमें थोड़ा आराम मिल जाए, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जोड़ों के दर्द का बढ़ जाना या होना, इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना। जी हाँ, उसके कारण जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, बार बार पेशाब आना, ऐसी समस्याएं होने लग जाती है। ऐसे में आप घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। खासकर जिनको अर्थराइटिस और गठिया की समस्याएं, उनके शरीर में सूजन होना, जोड़ों के दर्द में, हाथ पैरों में जॉइंट्स में दर्द होना, ऐसी समस्या उनके साथ होती रहती है। तो ये सूजन होना, जोड़ों के दर्द होना, बार बार पेशाब आना, इन सारी चीजों का जो मुख्य कारण हुआ यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो मैं ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके कारण आप इन्हें कम और ठीक दोनों कर सकते। धनिया भिगो कर पीना, जी हाँ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो धनिया का बीज आप रात को एक गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच भिगो लें। थोड़ी मात्रा में भिगोएंगे तब भी चलेगा। इसका पानी आप सुबह उठकर पी लें, ये आपके शरीर में यूरिक एसिड को कम करती है। इसके साथ ही आपके शरीर में सूजन को भी कम करने में आपकी बहुत मदद करती है। तो जॉइंट्स और सूजन दोनों को कम करने में धनिया आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल कर आप जरूर देखें कि आपके लिए कैसा आपका जॉइंट्स पेन और सूजन को कम करने में आपकी। अगला है अजवाइन। अगर आप रोजाना अजवाइन का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में यूरिक एसिड को कम करता है, आपकी पेट की समस्या को दूर करता है। इसके साथ ही जो गठिया वाले रोगी हैं उनके लिए भी अजवाइन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर में आपके सूजन, आपके जॉइंट्स को, आपके पेट की समस्या को, सबको ठीक करने में आपकी बहुत मदद करता है। अब बात करेंगे मेथी के दाने के बारे में। जी हाँ, उसके बीज के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर में कैरोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे जॉइंट्स में होने वाले सूजन और उसके होने वाले दर्द में दोनों में राहत देता है। आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच मेथी रात को पानी में धोकर भिगो देना है। सुबह उसे उठकर उसे छानकर उसे चबा चबा कर खाना है और हो सके तो आप उसका पानी भी पी ले तो बहुत फायदेमंद होगा। ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप मेथी का जो दाना था उसका भी सेवन आप जरूर करें। अखरोट और बादाम, ये भी हमारे जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप रात को भीगे हुए बादाम को सुबह उठकर खाते हैं और अखरोट भी सेवन करते हैं तो ये भी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ आप विटामिन सी वाले पदार्थ जो भी होते हैं भोजन में, उनका सेवन भी आप जरूर करें। तो ये था वीडियो जॉइंट्स पेन और सूजन में आपको राहत देने वाली सारी घरेलू नुस्खे वाली बातें। आई होप आप वीडियो को समझ पाएंगे और आप इस घरेलू नुस्खे का उपयोग भी कर पाएंगे ताकि आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिल सके। मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।